जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करियर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस क्षेत्र के लोगों की, फोर्स में भर्ती होने के लिए उनको एक तो सबसे पहले गाइडनेस नहीं मिल पाता है, और गाइडनेस अगर मिल जाता है तो क्या है, उसको बुरा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम फोर्स में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। फोर्स में सफल होने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आपको इतना जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि आपकी रातों की नींद और इतनी लगन होनी चाहिए फोर्स के प्रति, आपको दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं दे। आपको बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई दे, एक ही चीज दिखाई दे, या तो इंडियन आर्मी या जिस भी आपने फोर्स के लिए आपने टारगेट बनाया वही फोर्स दिखाई दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे क्षेत्र के जो युवा है वो सोचते हैं कि मैं एक महीने की तैयारी में आर्मी भर्ती में लग जाऊं या सीआरपीएफ में लग जाऊं, बीएसएफ में लग जाऊं, या फिर जितनी भी आपकी टोटली फोर्सेस सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आसाम राइफल्स है, तो इन फोर्स में सोच रखते हैं लगने की, लेकिन तैयारी कितनी होती है, मात्र एक महीने की या डेढ़ महीने की, या यूं कहा जाए जब भर्ती आती है तब हम तैयारी के लिए जाते हैं, और जैसे ही भर्ती खत्म हुई हम वापस अपने घर बैठ जाते हैं कि जब भर्ती आएगी तब तैयारी करने जाएंगे। तो ये कहानी हो जाती है एक बरसाती मेंढक की तरह, जब बारिश आती है नदी नालों में पानी आता है तो बरसाती मेंढक आ जाते हैं और ट्रैं ट्रैं करने लग जाते हैं। जैसे ही बरसात जाती है, पानी खत्म होता है, वो अपने आप पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। तो हमारे इधर के क्षेत्र के युवा भी इसी प्रकार से तैयारी करते हैं। तो मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप बहुत पीछे हैं, अगर आपकी ये सोच है तो आप बहुत पीछे हैं, और आपको इस सोच को बदलना होगा तभी आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। दृढ़ संकल्प बना लीजिए आप, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक महीना दो महीने की तैयारी में फोर्स में ज्वाइन कर लूं, तो यह बहुत ही मुश्किल है। आज की डेट में कंपटीशन इतना हाई हो गया है, सभी लोग और सभी युवा फोर्स की तरफ भाग रहे हैं। कोई सी भी फोर्स की भर्ती निकलो, अगर आपको हजार वैकेंसी भी है उसके पीछे फॉर्म देखना, आप कितने लाखों से फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर 1000 की भर्ती है और 1,00,000 फॉर्म आए हैं तो एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट हो गए। 10 कैंडिडेट के अंदर एक सीट निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये ना सोचे कि जब भर्ती आएगी तभी तैयारी करूंगा, आप ये सोचे कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। अगर आप लक्ष्य बना लेते हैं और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो उसके लिए आपका ऊपर वाला भी सहयोग करता है, वो भी देखता है आपकी लगन को कि बंदा कितना मेहनत कर रहा है, वो भी आपकी हर प्रकार से मदद करता है। लेकिन अगर आप घर पे बैठे रहे, सोचे मैं घर पे बैठे बैठे फोर्स में भर्ती हो जाऊं या मेरी तैयारी हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। आपको उठना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना पड़ेगा और आपको दौड़ना पड़ेगा, इस शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। जो लोग शरीर को कष्ट देते हैं वो हमेशा जीवन में सुखी रहते हैं, निरोगी रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती अपने शरीर के प्रति, अपनी फिटनेस बरकरार रहती है, उनकी दिनचर्या डेली सही रूप से चलती है, ना उनको दिन में आलस आता है। अगर मॉर्निंग में उठ के आपने अगर एक्सरसाइज कर ली तो आपको दिन भर बहुत अच्छे से निकलेगा, ना आपको आलस आएंगे शरीर में, ना ही आपको किसी काम करने के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। यह नहीं कि आपको काम नहीं करने का मन होगा, काम करने के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। तो आप सबसे पहले इस चीज को ध्यान दे ले, हमें अगर सफल होना है तो आपको सबसे पहले तैयारी इस प्रकार से करें, मॉर्निंग में उठे, अपना रनिंग है तो रनिंग करें, और सारी चीजें आपको कंप्लीटली करना है। स्टॉप। आप अगर एक बार जिद कर ले कि मुझे इस काम में सफल होना है,
तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपको उस काम में सफलता न मिले। लेकिन दोस्त आपको जिद को पकड़ना पड़ेगा और अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और अगर आपने लक्ष्य बना लिया और आपने टाइम दिया उसको बराबर, तो आप 5 या 6 महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, 5 या 6 महीने में आप आसानी से सफल हो सकते हैं। जितनी मेहनत हम घर पे करते हैं, खेतों में जाते हैं, कहीं मजदूरी करने जाते हैं, रात में खेतों में बहुत देर तक काम करते रहते हैं 12-12, 1-1 बजे तक, उतनी मेहनत तो नहीं है यहाँ पे यार। आप आके अगर 2 घंटा भी अगर डेली देते हैं, मॉर्निंग में और शाम को, दोनों टाइम अगर आप मॉर्निंग में समय देते हैं इस काम के लिए, इस तैयारी के लिए, तो आप अपने आप सफल हो जाएंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए आपको मेरी इस बात को समझना पड़ेगा, और समझ में आए और अच्छी लगे तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में बेल बटन लगा हुआ है तो दबाएं, और आज से मेरी बात सुन के आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए मात्र 6 महीने के लिए, और आप देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।